بسم الله الرحمن الرحيم. वसीफ़ा फ़ॉर हाजत के मौजूद सामीन, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अक्सर हम लोग घर में, हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारे घर के हालात थोड़े से अप डाउन हो रहे होते हैं या हमारी तबीयत जो है ऊपर नीचे होती है, तो हम लोग ज़रा सा परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग जो है फ़ौरन ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है, मतलब किसी की नज़र तो नहीं लग गई या किसी ने हमको कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया। अक्सर ख़वातीन ज़्यादा सोचने लग जाती हैं। तो इसका बहुत ही एक बेहतरीन अमल है वो मैं लेकर आई हूँ। एक ही टाइम का है, एक ही दफ़ा करने का है और आपको पता चल जाएगा आपके साथ क्या मसला है। तो ये अमल करें और जानिए कि आपके साथ क्या मसला है। बहुत ही मज़ेदार सा अमल है, बहुत ही यूनिक सा अमल है, ज़रूर ट्राई करिएगा घर के अंदर। अमल की तरफ आते हैं, गौर से सुनिएगा। एक गिलास में ताज़ा पानी लें, शर्त है कि बेजायका हो, यानी कि किसी भी किस्म की कोई उसके अंदर दूसरा कोई फ्लेवर वगैरह कुछ ना मिलाओ, बिल्कुल प्लेन वाटर, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा पानी आपने लेना है। फिर अव्वल और आखिर आप 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, और दरमियान में जो आपको पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है अव्वल और आखिर 3 दफ़ा। बीच में जो आपको पढ़ना है ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है, एक मरतबा आपको सूरह अलहम्द अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद एक मरतबा सूरह बकरा की पहली 6 आयात, जो सूरह बकरा की 6 आयात हैं वो आपको एक एक बार पढ़नी, यानी 1 से लेकर 6 तक आपने सूरह बकरा की आयत पढ़ ली। उसके बाद सूरह ही बकरा की आयत नंबर 102, ये भी आपको एक दफ़ा ही पढ़नी है। फिर सूरह यूनिस उसकी आयत नंबर 81 और 82 एक एक दफ़ा पढ़नी है आपको, और सूरह नास और सूरह फलक ये दोनों सूरतें 3 दफ़ा पढ़नी है आपको। बस पानी दम करके पी लें। अगर आपको कड़वा महसूस हो तो समझें जादू के असर आते हैं, अगर फीका महसूस हो रहा है तो जिन्नात और आसेब हैं, अगर मीठा महसूस हो रहा है तो तावीज़ाती असर आते हैं, और अगर जायका तब्दील नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं है, आपका वहम है सिर्फ। तो मसला चाहे जिस्मानी हो या रूहानी हो या दिमागी हो, आपको इजाज़त है ये अमल करने की। अच्छा, इजाज़त के लिए बस ये है कि आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़कर जो है मरहूमीन को, अपने मेरे हम सबके मरहूमीन को जिनका हम पर हक है हमारी गर्दन पर, उनको हदिया कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। छोटा सा प्यारा सा एक ये अमल मैंने आपको दिया है, इसको ज़रूर करिए और आगे भी शेयर करिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।